आदिगाड़ी मेडिकल कॉलेज की सबसे बेस्ट चीज जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है आदिगाड़ी मेडिकल कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर। इस कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर है, अगर इस कॉलेज में आप स्कॉलरशिप के साथ पढ़ रहे हो तो आपका जो खर्चा होगा वो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट के जितना ही आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं नेक्स्ट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिसका नाम है आदिगाड़ी मेडिकल कॉलेज उज्जैन। इस मेडिकल कॉलेज को टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज माना जाता है क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज काफी अच्छा है। तो इसके बारे में हम जानते हैं वहां पढ़ने वाले एक स्टूडेंट से, जिस स्टूडेंट को आज हम बुलाने वाले हैं उनका नाम है हिमांशु लखेर। हिमांशु 2021 बैच के स्टूडेंट है, तो चलिए उनसे कनेक्ट करते हैं और आदिगाड़ी मेडिकल कॉलेज उज्जैन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानते हैं। हेलो हिमांशु, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। हेलो मैम। हिमांशु ये बताओ, तुम्हें मेडिकल कॉलेज में आने के बाद कैसा फील हो रहा है? मैम मेडिकल कॉलेज में आने के बाद मैम बहुत अच्छा फील हो रहा है कि मैम अपन इतनी मेहनत करने के बाद जो भी मैम सेकेंड ड्रॉप थर्ड ड्रॉप मैम जो स्टूडेंट्स को मोस्टली लगते हैं नीट यूजी क्लियर करने के बाद, तो मैम एक नया न्यू एक्सपीरियंस होता है मैम नीट ये इसमें मेडिकल कॉलेज में। हाँ तो मैम बिल्कुल मैम थोड़ा सा चेंजेस एकदम से मैम चेंज लगता है मैम मतलब मेडिकल कॉलेज में आने के बाद। और अगर हम आदिगाड़ी मेडिकल कॉलेज के बारे में बात करें तो उसका एकेडमिक कैसा है, पढ़ाई कैसी होती है आदिगाड़ी मेडिकल कॉलेज में? मैम यदि मैम एकेडमिक की बात करें तो मैम ये कॉलेज जो है मैम एकेडमिक ओरिएंटेड ही है, मतलब जैसे कि इसमें मैम मोस्टली मतलब फोकस मैम ये किया जाता है कि मैम स्टूडेंट्स जो है वो एकेडमिक में कैसा है, मतलब उसमें मोस्टली फोकस करा जाता है। और मैम बहुत अच्छा एकेडमिक है मैम, टीचर जो है कोऑपरेटिव नेचर के हैं। और मैम मैम ऐसा कभी फर्स्ट ईयर के एक्सपीरियंस में मेरे को ऐसा कभी लगा नहीं कि मतलब कि मेरे को एकेडमिक कोई प्रॉब्लम जा रही है तो मैम यहाँ पे वो सॉल्व नहीं हो रही है। तो जो स्टूडेंट की क्वेरी रहती है कि गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो रहा है कुछ नंबरों से तो वो प्राइवेट कॉलेज में ले रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा कंसर्न होता है उनका अकेडमिक को लेकर के। तो उन्हें अकेडमिक की आई थिंक चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का भी अकेडमिक एमपी में तो बहुत अच्छा है जहाँ तक मैंने देखा है। हाँ मैम बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि मैम जो यदि मैम गवर्नमेंट कॉलेज को यदि छोड़ दिए जाए तो मैम प्राइवेट कॉलेज मैम ये ऐसा कॉलेज है जो आपको मैम गवर्नमेंट का फील देता है बिल्कुल, मतलब यदि आप इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखेंगे और मतलब स्टडीज भी देखेंगे तो गवर्नमेंट को वो करता है मतलब मैच करता है। तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की तुमने बात करी तो अब मुझे ये बताओ, जैसे ये कॉलेज थोड़ा पुराना है जैसे हम सभी जानते हैं, तो कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर इसके कॉलेज का है, हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसे थोड़ा डिटेल में हमें बताओ। मैम देखिए मैम हॉस्पिटल जो का इंफ्रास्ट्रक्चर है मैम उसको तो मैम मॉडर्नाइज होता रहता है, मतलब कि मैम जो भी उसमें मैम वो चेंजेस होते हैं मैम वो है भले ओल्ड है बट वो फील नहीं होता हॉस्पिटल में ऐसा, मतलब पेशेंट लोड भी मैम बहुत अच्छा है वहाँ पे, मतलब तो मैम हॉस्पिटल वगैरह का तो ठीक है मैम बट थोड़ा सा यदि मैम अब जैसे कि ये 2001 का कॉलेज है तो उस हिसाब से मैम अभी बिल्डिंग्स वगैरह तो मैम उतनी खास नहीं मैम, वो ओल्ड डिजाइन है तो वो आपको एलटी जैसे लेक्चर हॉल्स हैं वो थोड़े से ओल्ड आपको देखने को मिलेंगे तो और यदि उनको देखा जाए तो बस वहाँ पर ये मतलब थोड़ा सा पीछे होता है कॉलेज, बाकी पढ़ाई के हिसाब से देखा जाए टीचर फैकल्टीज के हिसाब से देखा जाए तो मैम ये बहुत अच्छा कॉलेज है। और वैसे भी आदिगाड़ी मेडिकल कॉलेज सेकेंड नंबर पर इसकी रैंकिंग होती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की अगर हम बात करते हैं तो एकेडमिक वाइज ये बहुत अच्छा है। और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज की अगर हम बात करें आदिगाड़ी मेडिकल कॉलेज में तो इसका कैसा है कि जैसे फेस्ट हो गया या फिर और भी एक्टिविटीज है तो उसके बारे में? तो इसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की बात करें तो अपन स्पोर्ट्स वगैरह में तो स्पोर्ट्स की इवेंट मतलब एक ही इवेंट होता है मतलब साल में, हाँ, वो भी जो कोविड की वजह से मतलब अभी बीच में नहीं हो रहे थे बट वो फिर कंटिन्यू मतलब हो रहे हैं, मतलब अभी इस साल हुए फिर अगले साल भी होंगे। और मैम जैसे यहाँ पर बैडमिंटन कोर्ट है मैम स्पोर्ट्स के लिए बोले तो मैम थोड़ा सा मैम यहाँ पर मैम कम है स्पोर्ट्स, बाकी मैम ठीक है मतलब बैडमिंटन बास्केटबॉल का भी कोर्ट बन रहा है मतलब कि वो इन प्रोग्रेस है वो प्रिपेयर हो जाएगा मैम न्यू बैचेस के लिए। और ऑडिटोरियम का भी मैम काम चल रहा है मतलब वो मैम अभी कंप्लीट नहीं है, मतलब वर्क जो है प्रोग्रेस पे है, जो भी रिनोवेशन का काम है वो चल रहा है आदिगाड़ी मेडिकल कॉलेज में। यस मैम।
और आडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज की सबसे बेस्ट चीज़ जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है आडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज का फ़ी स्ट्रक्चर है। अगर इस कॉलेज में आप स्कॉलरशिप के साथ पढ़ रहे हो तो आपका जो खर्चा होगा वो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट के जितना ही आएगा। तो तुम बताओ कि फ़ी स्ट्रक्चर कैसा है, डिटेल में बताना हॉस्टल फ़ी, मेस फ़ी, बस ट्रांसपोर्ट फ़ी और जितनी भी एक्स्ट्रा जो भी एक्सपेंसेस लगते हैं सारा सब कुछ मुझे डिटेल में बताना। मैम यहाँ पे यदि मैम ये हॉस्ट इसकी मतलब ट्यूशन फीस की बात करें तो मैम 2022 बैच के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो फीस स्ट्रक्चर है वो अराउंड 9 लाख समथिंग है, 9 लाख जो ट्यूशन फीस है। और इसके बाद हम बात करें तो वो अदर चार्जेस हैं जैसे कि हॉस्टल फीस यहाँ 12,000 है जो कि मतलब मिनिमम है मैम प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो। सबसे कम जो हॉस्टल की फ़ी है वो आडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज की है, 12,000 जो हॉस्टल फ़ी है, इतनी फ़ी एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल की होती है। हाँ तो मतलब मैं अपने कॉलेज की बात करूँ तो सिर्फ 12,000 मतलब 1,000 पर मंथ आपको लगता है और आडी गाड़ी में भी उतना ही आपको लगता है, उसके बाद मेस चार्ज और एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। हाँ मेस चार्ज जो मैम यहाँ पर है वो 32,000 ईयरली। हाँ ईयरली। और मैम एक ब्लेजर चार्ज लगता है जो कि मैम 4,000 समथिंग है। और एक जनरल्स होता है मैम जो जनरल्स अपन वो रहते हैं मतलब ईयर वाइज रहती है तो मैम उसका 4,000 यहाँ पे चार्ज लेते हैं ये। और एक अफिलिएशन फीस होती है मैम जो रहती है वो अपन यूनिवर्सिटी को जाती है वो 8,500 समथिंग है अकॉर्डिंग टू द 22 बैच। मैम टोटल जो बात करें तो मैम अराउंड 80,000 मैम खर्च हो जाता है मैम उसके ट्यूशन फीस। और 80,000 एक मिनिमम मतलब खर्चा है अगर हम देखें किसी गवर्नमेंट कॉलेज में भी तो इतना खर्चा है कि स्टूडेंट को हो जाता है मेस चार्ज, हॉस्टल चार्ज, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस मिला के मेरा भी इतना ही खर्चा होता है एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में। तुमने अराउंड 80,000 बताया है, ये अगर किसी स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिल रही है तो स्कॉलरशिप कौन कौन सी अवेलेबल है तुम्हारे कॉलेज में? हाँ स्कॉलरशिप कौन कौन सी, जैसे ओबीसी, एसटी, एससी, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जन कल्याण स्कॉलरशिप, ये सारे स्कॉलरशिप क्या टाइमली आ जाती है स्टूडेंट को जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं? हाँ यस मैम अभी मैं देखा जाए तो मैम सभी टाइमली ही आ रही हैं, मतलब ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा है मैम स्कॉलरशिप का कि मैम कोई रुक गई है किसी की मतलब रुक गई है स्कॉलरशिप, मैम ऐसा कुछ तो इशू नहीं है मैम यहाँ। हाँ और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपने स्कॉलरशिप लिया है तो आपको पहले से फ़ी करना है, ऐसा तो कोई केस नहीं है ना कि पहले फ़ी पे करनी होगी? मैम पहले से फ़ीस पे करने का मैम जैसे जो मैम पेड होते हैं मतलब जो फुल फीस देकर के आते हैं मैम उनको ही पे करना रहता है मैम स्टार्टिंग से। और मैम जो भी स्कॉलरशिप से हैं मैम जैसे पोस्ट मैट्रिक में तो मैम पहले से पे करना रहता है मैम जो भी 15% चार्ज। अच्छा हाँ वो 15% तो, देना होता है, अदरवाइज 85% जो है ओबीसी पोस्ट मैट्रिक में 85% के अराउंड स्कॉलरशिप आती है और, तो उन्हें बस 15% जो चार्ज है वो देना होता है। बाकी और मैम जो बाकी स्कॉलरशिप है उसमें कुछ चार्जेस नहीं लगना है, वो क्वेश्चन मनी लगेगा और बस। तो हमने सारे एक्सपेंसेस की बात कर ली, एकेडमिक्स की बात करी, एकेडमिक्स काफ़ी अच्छा है आडी गाड़ी मेडिकल कॉलेज का। उसके बाद हम पेशेंट लोड के बारे में बात कर लेते हैं कि हॉस्पिटल में पेशेंट लोड कैसा है। मैम हॉस्पिटल में पेशेंट लोड मैम बहुत अच्छा है कि मैम अभी जैसे कि हम लोग की सेकेंड ईयर की पोस्टिंग्स हुई है तो मैम हमको तो मैम बहुत अच्छा पेशेंट लोड लगा मैम। मैम बहुत जगह जगह से मैम ऑप्शन मतलब जगह जगह अपन तरह तरह की बीमारियाँ मैम देखने को मिल रही है मैम यहाँ पे, तो मैम पेशेंट लोड तो मैम यहाँ का मैम बहुत अच्छा लगा है, अच्छा है मतलब सीखने को मैम बहुत कुछ मिलेगा मैम मतलब यहाँ पर। तो अगर हॉस्पिटल और एकेडमिक्स दोनों की बात करें तो बहुत अच्छी आर्डी गाड़ी मेडिकल कॉलेज की, और साथ ही साथ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस सबसे कम है इस मेडिकल कॉलेज के। और एक सवाल था मेरा कि अगर कोई स्टूडेंट हॉस्टल में नहीं रहना चाहता है तो क्या कॉलेज वाले अलाउ करते हैं स्टूडेंट को कि वो अपना बाहर से प्राइवेट रूम ले करके या फिर दो चार स्टूडेंट एक साथ मिल करके अलग एक फ्लैट ले करके रह सके, क्या इस तरह से स्टूडेंट करते हैं आर्डी गाड़ी मेडिकल कॉलेज में? यस मैम वो मैम यहाँ पे मैम ऐसा कुछ वो रूल नहीं कि आपको मैम हॉस्टल में ही रहना है, यहाँ पे मैम सबके लिए मैम अलग से चार्जेस है कि मैम हॉस्टल को कितना देना है, डे स्कॉलर्स जो हैं उनको कितना देना है, तो मैम ऐसा कोई इशू नहीं है। मैम फर्स्ट ईयर से ही वो मैम वो अब उसके ऊपर स्टूडेंट के ऊपर कि वो कहाँ रहना चाहता है, तो मैम ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है मैम यहाँ आर डी गाड़ी में कि उसको हॉस्टल में ही कंपलसरी रहना है फर्स्ट ईयर से। तो
आई थिंक हमने सारे क्वेश्चंस कवर करें आर्डी गार्डी मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड। और भी कुछ अपने तरफ से तुम बोलना चाहोगे आर्डी गार्डी मेडिकल कॉलेज के बारे में? मैम ये मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैम जैसे कि मैम जो मैम स्टूडेंट है मैम जो कि मैम इकोनॉमिकली मैम उतना अच्छा नहीं है मतलब, और मैम कुछ मार्क्स से रह जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में, और मैम उसको स्कॉलरशिप तो मैम मिल जाएगी क्योंकि मैम इकोनॉमिकली जैसे वो वीक है, तो उसके लिए मैम ये कॉलेज मैम बेस्ट ऑप्शन है मैम बोला जाए तो, क्योंकि मैम कॉम्पिटिशन डे बाई डे बढ़ता ही जा रहा है। अपन गवर्नमेंट कॉलेज के लिए वेट नहीं कर सकते क्योंकि फिर पीजी के लिए मैम उतना लेट होते जाते हैं, मैम पीजी भी ज़रूरी है तो अपन मैम और इतना वेट नहीं कर सकते मतलब। तो मेरे हिसाब से मैम जैसे कि किसी की मतलब इकोनॉमिकली यदि वो नहीं ले पा रहा है मैम गवर्नमेंट के बाद वो प्राइवेट में ऑप्शन ले रहा है, तो मैम उसको मैम आरडी गार्डी जो है बेस्ट ऑप्शन चुनना चाहिए मैम मेरे हिसाब से। तो ये काफ़ी अच्छा कॉलेज है, जैसे मैं पहले से स्टूडेंट को बता रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जिसमें सबसे कम एक्सपेंसेस हो तो वो है आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज। तो थैंक यू सो मच हिमांशु, तुमने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी, आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज के बारे में बताया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।